नमस्कार। कोरोना काल में जिन सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने लोगों की जान बचाई, आज उन सभी कर्मचारियों की जो सेवा है उस पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बताते चलें, फर्रुखाबाद समेत उत्तर प्रदेश के सभी कोरोना काल में जो नियुक्त किए गए कर्मचारी थे उनका अनुबंध 31 मार्च 2023 तक था, जिसके बाद उनके अनुबंध का सेवा विस्तार नहीं हुआ है, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं और बताया गया है कि 4 माह का वेतन भी अभी तक उनको नहीं मिल पाया है, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। उन्होंने आज DM संजय कुमार सिंह से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बताया है ज्ञापन देने आए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने PPF लाइव से बातचीत करने के दौरान। क्या नाम है आपका? आज किस लिए आए थे आप लोग? DM साहब से मिलने आए थे, अपने ज्ञापन देने आए थे। तो हम लोग अभी तक रिन्यूअल नहीं हुआ है और हम लोग का वेतन भी नहीं मिला है। कितने माह का वेतन रुका हुआ आपका? 4 महीने। 4 माह का। अभी DM साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने ये बोला है कि अभी आप लोग जाइए CMO साहब से मिल लीजिए, जाके वो जैसा वो आदेश देंगे। CMO साहब से आप इससे पहले मिले थे? जी मिले। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने अभी कुछ भी नहीं बोला था, ये बोल रहे थे कि आप लोग ज्ञापन देने आए हो, देखो मैं इस पे बात करता हूँ। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो जब हम लोग एक साथ हैं तो उम्मीद तो लगती है न्याय मिलेगा। न्याय तो मिलेगा हम लोगों को। कितने लोग हो आप लोग? 136 लोग। किस विभाग से हैं आप लोग? स्वास्थ्य विभाग से, कोविड कर्मचारी हैं फर्रुखाबाद से। क्या मामला है DM साहब का? शायद मामला हमारा ये है, हम लोगों का इस महीने का सेवा विस्तार नहीं आया हुआ है, उस संबंध में हम लोगों ने DM साहब को एक ज्ञापन दिया हुआ है। हम लोग कोविड कर्मचारी कोविड में लिए गए थे, जिन्होंने तमाम लोगों की जानें बचाई, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जानें बचाते हुए आज हमारी ही जान के लाले पड़े हुए। कितने माह का वेतन नहीं आया? 4 माह का वेतन नहीं आया हमारा। आप लोग कितने लोग? 136 लोग हैं। कब तक का अनुबंध था आपका? अनुबंध 31 मार्च तक का अनुबंध था, 31 मार्च के बाद हमारा अनुबंध नहीं आया। अनुबंध रिन्यूअल नहीं किया गया? नहीं, रिन्यूअल नहीं किया गया। अभी आप DM साहब से मिले थे, क्या आश्वासन दिया है? DM साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे वैसा हम करेंगे। फर्रुखाबाद में ही ऐसा है कि पूरे प्रदेश में? प्रदेश में ही ऐसा है, सिर्फ फर्रुखाबाद नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या। शासन का कोई आदेश नहीं आया? शासन का अभी तक कोई आदेश नहीं आया। तो आप लोग अभी ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं? ड्यूटी बराबर निरंतर हम लोग कर रहे हैं। कोविड के लक्षण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं प्रदेश में, उसको उसके बाद भी कोई अभी शासन के आदेश नहीं आया? शासन के आदेश कोई भी नहीं है। तो क्या डिसीजन किया है आप लोगों ने? हम लोगों का डिसीजन, शासन जैसा भी निर्देश देता है उस अनुसार हम चलेंगे। ड्यूटी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? फिलहाल तो ड्यूटी हम कर रहे हैं, ड्यूटी ना करने के लिए भी शासन से कोई आदेश नहीं आया है।